हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत है। आज की डेट है 9 सितंबर 2020 और आज की ही ट्रांसपोर्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली दोस्तों ब्लू और पिंक लाइन से जो सफ़र करते हैं उन यात्रियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते 171 दिनों से बंद पड़ी ये मेट्रो सेवाएँ एक बार फिर शुरू कर दी गई है, तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली NCR की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवाओं की बहाली का सिलसिला जारी है। 7 सितंबर को शुरू हुई येलो लाइन के बाद अब ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो की सेवाएं शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी के चलते 171 दिनों से बंद पड़ी ब्लू लाइन और पिंक लाइन सेवा शुरू होने से दिल्ली और NCR के लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, ब्लू लाइन मेट्रो शुरू होने से नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को बड़ी राहत मिली है, खासकर नौकरी पेशा लोगों को जिन्हें मेट्रो बंद होने से भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ब्लू और पिंक लाइन शुरू होने से ब्लू लाइन पर जहां लोग द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर सेक्टर 21 से वैशाली तक का सफ़र कर पाएंगे, इस रूट पर DMRC 66 ट्रेनें चलाएगी। वहीं दोस्तों, पिंक लाइन की बात की जाए तो पिंक लाइन लोगों को मजलिस पार्क से शिव विहार तक पहुँचाने का काम करेगी। इस रूट पर DMRC 27 ट्रेनें चला रही है। DMRC के मुताबिक इन दोनों लाइनों को फिर से खोलने पर मौजूदा 28 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन में से 9 मेट्रो स्टेशन जो कि है राजौरी गार्डन, दिल्ली हाट, INA, म्यूर विहार फेज़ 1, कड़कड़डुमा, राजीव चौक, यमुना बैंक, आनंद विहार, ISBT, आज़ादपुर और सिकंदरपुर लोगों के लिए खुले रहेंगे। तो दोस्तों, DMRC ने 7 सितंबर को येलो लाइन पे अपनी मेट्रो सेवाएं शुरू की थी। अब आज से यानी कि 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर भी मेट्रो सेवा वो शुरू कर दी है। तो दोस्तों, मेट्रो में यात्रा को लेकर DMRC ने गाइडलाइन भी जारी की है। बेवजह मेट्रो में यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। सभी यात्रियों को 15 से 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम लेकर यात्रा करने को कहा गया है। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड लेकर यात्रा करने को कहा गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए टोकन सिस्टम फिलहाल बंद रखा गया है। लोगों से यात्रा के दौरान कम से कम सामान कैरी करने को कहा गया है। और दोस्तों, फिर से बता देता हूं कि सुबह और शाम को ही मेट्रो चलेगी। पिंक और ब्लू लाइन पर भी मेट्रो को 2 पाली में चलाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेट्रो दौड़ेगी, जबकि शाम को 4 से लेकर रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। मेट्रो स्टेशन के चुनिंदा गेट से यात्रियों को स्टेशन में जो एंट्री मिलेगी, किस स्टेशन का कौन सा गेट खुलेगा उसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेट्रो की वेबसाइट से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल ट्रांसपोर्ट न्यूज़। ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।